नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आज आया हूँ अपने पैतृक जिला देवरिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पे, जो जाना जाता है बहुत ही दिव्य पुरुष बाबा देवराहा के नाम पर। सरयू नदी के तट पर यह मईल गांव में जो ये बाबा का आश्रम है वहाँ पे मैं आज आया हूँ। यह बहुत प्रसिद्ध जगह है, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, लोग इसकी जानकारी नहीं है। और चूंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और बहुत सालों से बाबा के दर्शन करना चाह रहा था, बाबा जहाँ रहते थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चलिए मैं आज आपको दर्शन कराता हूँ बाबा के, और इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि बाबा के आश्रम में क्या होता था, बाबा कहाँ रहते थे और क्या क्या उनकी दिव्य शक्तियाँ थी। बाबा का यह स्थान देवरिया से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। यहाँ का नज़दीकी छोटा सा रेलवे स्टेशन है लाल रोड, जहाँ अगर रेलवे से आना चाहते हैं तो लाल रोड से होकर आ सकते हैं, अदरवाइज आप देवरिया आइए, देवरिया से आने के लिए यहाँ पर साधन मिल जाते हैं। भागलपुर इसका ब्लॉक पड़ता है और ज़िला है देवरिया उत्तर प्रदेश में, जहाँ बाबा अक्सर अपना पूजा अर्चना और बैठा करते थे यहाँ पे। हालांकि ये भी माना जाता है कि बाबा अलग अलग समय पे अलग अलग जगह दिखाई देते थे, कभी मथुरा वृंदावन तो कभी प्रयागराज में। वो एक समय पे कई जगह पे कई रूप में दिखाई देते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि बाबा पानी पर चलते हुए दिखाई दिए लोगों को, बाबा पानी में कई देर तक सांस रोक कर रहते थे। तो ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थी बाबा के पास, न जाने कितनी शक्तियाँ थी, किसी के पास प्रमाण नहीं था कि बाबा कितने साल तक जिंदा रहे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आश्रम और उसके आसपास की जो चीज़ें उसके बारे में, देखते हैं कि क्या क्या आश्रम में है और कैसी सुविधाएं भारत सरकार और पर्यटन विभाग ने यहाँ पर कर रखा है। पर्यटन मंत्रालय हालांकि यहाँ पर पहुँचा था, एक दो बेंच ही दिखाई दे रहे मुझे पर्यटन मंत्रालय के, बाकी कुछ ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर तो दिख नहीं रही हैं। कुछ लोग हैं, कुछ गाय पाल रखी हैं, गौशाला है और एक दो छोटी मोटी बिल्डिंग है। कुछ ऋषि मुनि लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं और उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए दो चार कमरे बने हुए हैं। कुछ गाय पाली गई हैं, यह कुछ हैं भारत सरकार द्वारा जो यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेंचेस दी गई हैं। बहुत पिछड़ा जगह है यह और बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं जो बाबा को बहुत दिल से मानते हो यहाँ पर पहुँच पाते हैं। यह मेन आश्रम है जिसमें आज भी मुनि लोग रहते हैं, तप वगैरह करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी बबूल के पेड़ हैं जो उस ज़माने में बाबा ने किसी के पैर में चुभ गया था, उसने बोला था कि आपके आश्रम में आने पर पैर में कांटा चुभता है, तो बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि जा, आज के बाद से यहाँ पे बबूल में कांटे नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बबूल के पेड़ हैं जहाँ आज भी उसमें कांटे नहीं पाए जाते हैं। यह मेन आश्रम है जहाँ पे आज भी बाबा बैठते हैं। दूसरे बाबा इस मचान पे ऊपर जो ये है, बाबा ऊपर ही बैठा करते थे अक्सर। और बाबा, सुना है मैंने कि बाबा पैर से ही आशीर्वाद दिया करते थे अक्सर लोगों को। यहाँ पर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और न जाने कितने राजा लोग आते थे और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और जो हाथ का पंजा जो निशान है कांग्रेस का, आज भी जो निशान है वो बाबा का ही दिया हुआ है कि आप जाइए, आप प्रधानमंत्री बनेंगी, ये आपका निशान रहेगा चुनाव चिन्ह का। तो ये सब जगहें हैं यहाँ पर, दिव्य शक्तियाँ आज भी हैं बाबा की। पीछे सरयू का बहुत ही विशाल रूप है, तो ऐसा माना जाता है कि बाबा जब सरयू नदी में जाते थे नहाने, तो सरयू नदी से ही वो मथुरा चले जाते थे। सरयू नदी में डुबकी लगाते थे, कभी वो मथुरा में दिखाई देते थे, कभी वो वृंदावन पहुंचते थे, कभी वो इलाहाबाद में दिखाई देते थे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं और अगर आप पर्यटन की दृष्टि से आना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये जगह आपको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप शांति और अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। और मैं थोड़ी सी बाबा से, यहाँ के जो आश्रम के बाबा हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनकी राय जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में और क्या वो विचार रखते हैं इस जगह के बारे में। अब मैं बाबा से बात करता हूँ। नमस्कार बाबा जी, क्या कहना चाहेंगे इस जगह? बेटा, ये जगह महापुरुष की है, जगह जिसके जो राम नाम के प्रभाव से इस स्थल को महाराज जी ने तपाए हुए हैं। और स्थल की महिमा जो भी कहा जा सब थोड़ा है। इस मट्टी का रज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी हस्तियां लगाई हैं, लेकिन वर्तमान में इस स्थल का जैसा महाराज जी का रूपरेखा, जैसा महाराज जी का यश कीर्ति है,
तदनुसारेण यहाँ का कुछ विकास होना चाहिए। 2020 में यहाँ का प्रशासन कुछ आश्वासन दिया इस कार्य को, इस स्थल के विकास के संदर्भ में। पूर्व डीओ अमित किशोर तथा वर्तमान यहाँ के कृषि मंत्री वगैरह इस स्थल पर आकर के और इस स्थल के विकास के संदर्भ में जो बाबा का विकास आदि कार्य के लिए जो घोषणा की गई उस पर थोड़ा ध्यान दें और ध्यान दे करके इस स्थल, इस पवित्र भूमि के थोड़ा उत्थान करने का प्रयास किया जाए। यही मैं सभी नेताओं से, मुख्यमंत्री वगैरह से आग्रह कर रहा हूँ, भगवान सबको सद्बुद्धि दें, इस स्थल पर ध्यान दें। बाबा योगी आदित्यनाथ से आपकी कभी कोई बात या इसके? योगी आदित्यनाथ बेचारे परम भक्त हैं, बाबा के शिष्य भी हैं, भक्त भी हैं। उनके गुरु जी अवैधनाथ दिग्विजयनाथ साहब बाबा के बड़े प्रेमी थे लोग, आश्रम से बड़ा लगाव था। आज भी योगी जी के नॉलेज में तो है ही है देहरावा आश्रम, और ऐसी बात नहीं है कि योगी जी के नॉलेज में नहीं है। रह गया कि योगी जी को हम भी नहीं बुलाए, न तो यहाँ के नेता प्रेता जो विधायक एम पी हैं सब, ये सब का धर्म चाहिए कम से कम योगी जी आते हैं क्षेत्र में तो 5 मिनट खातिर निष्पान भूमि पर लाया जा। हमने तो प्रयास अंदर से बहुत किया, कई लोगों से कहलवाया, भाई संत हैं, महात्मा हैं और हर इच्छा से भगवत कृपा से वो वैभव उस पद पर गए हैं, तो थोड़ा सा इस माँ पावन भूमि को उद्धार के लिए भी लाया जाए उनको भी। लेकिन कहते हैं ना यहाँ पे आते हैं, अगर इन फ्यूचर उनको बुलाया जाए चाहे कैसे भी वो बाबा के दर्शन करने आते हैं तो आपका क्या उनसे वो रहेगा कि उम्मीदें हैं? बेटा देखो, यहाँ योगी आदित्यनाथ आए, चाहे प्रधानमंत्री आवे, चाहे राष्ट्रपति आवे, चाहे मुख्यमंत्री आवे, ये तो महापुरुष की जगह है। यहाँ यह बातें नहीं है कि फलाने आवे तो उसके लिए मैं तरस रहा हूँ। हाँ, लेकिन विकास का सत्ता उन्हीं लोग के हाथ में है, इसलिए हर इच्छा से इस पावन भूमि का विकास में चाहूंगा, यही आकांक्षा है। और का मेरी आकांक्षा है कि लग रहा है आप सरकार से काफी नाराज हैं। नाराज नहीं है, लेकिन सरकार संत महात्मा भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवत परायण होते हैं, तो बहुत अपने भक्ति भाव में ही लगे रहते हैं। हर इच्छा से जो हो जा जी 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 जी, यही। और नाराज क्यों हूँ मैं? हाँ। नाराज मैं नहीं हूँ, नाराज तो थोड़ा बहुत है ही हूँ, क्योंकि उन लोग को लगता नहीं है। हाँ। आज सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, कल कौन पूछेगा? बिल्कुल, कल से सत्ता से उतर जाएंगे कौन? यही भाजपा है जिसको दे रहा ने आशीर्वाद दिया, जिसके प्रभाव से आज सत्ता में है सब लोग। वो महापुरुष की ये जगह, इनके पूर्वज लोग अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंगल वगैरह थे, लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह सब बाबा के चरणों में सब नतमस्तक होते थे। महाराज ने कहा, जाओ अटला आशीर्वाद, हल्ला करते रहो, तेरा दिन लौटेगा, देश में प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे संत देवराहा बाबा जिनका यश पताका पूरे विश्व में फैला है, वो महापुरुष की ये जगह है। आज वैलू वैलू नथु खैरू ढोंगी पाखंडी हैं, उनके आश्रम पर जाकर के नेता प्रेता देश का विकास करते हैं, बना देते हैं। अब महापुरुषों की जगह को नहीं बनाएंगे, नहीं ध्यान देंगे लोग, तो कष्ट तो होगा ही, भले न बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। योगी जी आते हैं, अगल बगल में चट्टी चौराहा पर चाय पिए जाते हैं, उनको नहीं मालूम कि देवराहा के आश्रम है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री प्रधानमंत्री का साधु के लिए सब बराबर होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, संत के लिए सब बराबर होता है, क्या समझे? बिल्कुल। देखो बेटा, एक बार की बात है, एक चींटा का टांगर धर के खींच रहा था, उसी वक्त का नाम से अगस्त ऋषि के आश्रम का यह कथा है। उसी समय इंद्र आया, इंद्र को देख करके अगस्त ऋषि हंसने लगे। तो इंद्र ने कहा, अरे महाराज क्यों हंस रहे हैं? इंद्र के आग्रह करने पर महात्मा ने कहा कि देखो, ये 100 बार इंद्र बन चुका है और इसका एक चींटा टांगरी धकर के टांगर धके खिसरा रहा है। बेटा, तुम एक बार इंद्र बन गए तो तुमके इतनी अहंकार है जी, बोलिए। ये पौध है, किसी जन्म का हमारा आपका पुण्य है, उस जगह चले गए, जरूरी थोड़ो कि हमेशा इंद्र ही बने रहिएगा, सब कुछ कैसा। बिल्कुल, महात्मा ने कहा कि देखो, ये 100 बार इंद्र बन चुका है और इसका एक चींटा टांगरी धकर के टांगर धके खिसरा रहा है। बेटा, तुम एक बार इंद्र बन गए तो तुमके इतनी अहंकार है जी, बोलिए। ये पौध है, किसी जन्म का हमारा आपका पुण्य है, उस जगह चले गए, जरूरी थोड़ो कि हमेशा इंद्र ही बने रहिएगा, सब कुछ कैसा। बिल्कुल बिल्कुल, उधर जाने पर क्या पूछ रहा है, कैसा बोलल जा? नहीं, तमाम मंत्री हैं, तमाम प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं,
वह तो कुछ दिन के लिए मिलता है, अगर वो हर लेने के बाद कोई सत्कर्म कर दिया, अच्छा काम कर दिया, तो होता है फलाने हाँ बड़ा महापुरुष थे, बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा कार्य किए जी, जी ये स्कीर्ति उनकी होती है, ये करेगा उसका जयकार होगा, नहीं करेगा तो कैसा हाँ होगा, रे फलनवा था अपने काल में लेकिन कुछ किया नहीं, नहीं। ऐसे जोगी जी ने कुछ किया, महाराज जी के नाम से मेडिकल कॉलेज वगैरह बनाए हैं, अच्छे काम किए हैं, अरे वृंदावन में भी बाबा का दरवा घाट बनवाए, अच्छा काम किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं रह गया कि यहाँ के जो लोकल नेता हैं सब सब बाबा के चेले हैं नालायक जी, ऐसे शब्द बोलना पड़ता है। इस नालायकों को यदि जोगी आते तो कहते कि नहीं चलो महाराज जी के बाबा का स्थान आसपास में कम से कम मत्ता टेक लिया जाए, तो बेचारे ऐसा नहीं है कि नहीं आते, इतने दुराग्रह तो संत है महात्मा है, लेकिन इन्हन के पेट भर जाते हो ना, इन्हन के काम से पेट नहीं फुर्सत मिलती है, कहाँ ले बाबा का स्थान, कहाँ ले बाबा के स्थली का विकास करेंगे, देवरिया देव भूमि है, देवरिया देवरहा के नाम से जानी जाती है, गोरखपीठ का नाम से पूज्य देवरा गोरख बाबा के नाम से जानी जाती है, बलिया बाबा भृगु बाबा के नाम से जानी जाती है, कौन नहीं जानता इस स्थली को, बोली अक्षर जानते ही हैं, अच्छे जगहों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे जी, जी 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 बेटा यही सब है। चलिए बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे मिलकर, और मैं कोशिश करूंगा और कि यहाँ आता रहूँ आपके पास, और इस जगह पे मैं बार बार आऊँगा, और इस जगह का और विकास हो मैं इसको लोगों के बारे में बताऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।